हेलो गाइस, आज मैं कवर करने वाला हूँ हमारी ट्रेडिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल डेट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो आप देख सकते हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा टूल है, जो इस टूल बार के अंदर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल मिलता है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ हैं फिबोनाची के ऊपर, आपके ऊपर यूट्यूब पे आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हम उसको फर्स्ट इज़ हम फिबोनाची टूल की सेटिंग क्या कर पाएंगे, सेकंड वो टूल हमें कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हम उसको हर एक स्विंग पे हर जगह उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो उसके थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ और कहाँ पे नहीं करता। सेकेंड, मैं चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करेंगे हम कि किस तरह से हम उसको चार्ट पे कैसे फॉलो करते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप तो अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ये तीनों चीज़ हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी रिट्रेसमेंट लेनी है या फिर हमें कहीं भी उसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यानी एक किसी भी रिट्रेसमेंट को हमें ड्रॉ करने के लिए उसमें हमें दो पॉइंट देने होते हैं। डेट इज फर्स्ट मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये आपकी फिबोनाची यूज हो रही है। अब वो अप जाना है डाउन जाना है किस तरह आपको जाना है उसके बेस पे वो सेकेंड पॉइंट पिक करना है आपको। तो सपोज मैंने कहीं भी एक सेकेंड पॉइंट पिक किया तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारे पास बहुत सारे लेवल्स हैं, 1.618, 0.5, 0.380, माइनस में। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपके ये लेवल्स, तो मैं आपको अभी ये लेवल समझाता हूँ किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए एक हम फिबोनाची एक ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये पॉइंट लिया। अब आपको मैं थोड़ी छोटी छोटी टूल्स हैं जो कि वो इस विद इन इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एग्जैक्ट पॉइंट लेना है, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट मेरा सेलेक्ट हो और यहाँ पर भी एग्जैक्ट पिन पॉइंट सेलेक्ट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर में लेफ्ट साइड में एक दिख रहा है मैग्नेट जैसा एक बटन दिख रहा है, ये मैग्नेट ऑन ऑफ आप कर सकते हो। अगर ये मैग्नेट ऑन है तो वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, और अगर आप ये मैग्नेट ऑफ रखते हो तो आप देख सकते हो आप कहीं भी जाकर कहीं भी क्लिक करोगे उससे कोई मतलब नहीं है, और जब आप जूम करोगे तो आप देख सकते हो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। और अगर मैं इस मैग्नेट को ऑन करके ये फिबोनाची मैं अगर लेता हूँ तो आप देख सकते हो मैं बिना अनजूम भी अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो वो एग्जैक्ट पॉइंट पे ही पिक करेगा, राइट। इसका ये लो लिया है आप देख सकते हो, मैं जरा इसको ऑटो हटाकर स्क्रॉल कर देता हूँ तो देख सकते हो आप एग्जैक्ट पॉइंट लेना, राइट। तो इसका बेनिफिट हमारे पास ये है कि हम मैग्नेट हमेशा ऑन रखें। अगर ऐसा सच कुछ आप एग्जैक्ट पॉइंट के लिए या कुछ एग्जैक्ट आप कुछ मेजर करना चाह रहे हो तो उस टाइम पे आप ये मैग्नेट यूज कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं फिबोनाची पे। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिया लो, जो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से हम लेते हैं। एक मैंने लिया एक हाई पॉइंट कोई भी, तो ये दो पॉइंट मैंने लिए तो उसके बीच में मुझे काफ़ी सारे लेवल्स मिलते हैं, लाइक 1 से 0 के बीच में मुझे मिल रहा है 0.3, 0.5, पॉइंट एंड मैं उसके अलावा काफ़ी लेवल्स और लगा सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4 ले रहे हो। वो होना चाहिए, एक फिबोनाची लेवल होना ही चाहिए। तो जरा हम जाते हैं, ये एक बार आपको दिख रही है, जैसे ये आप सपोज ये अब डिसअपियर होगी, राइट। आप कभी भी टूल पे क्लिक करेंगे आपको एक ये बार दिख जाएगी। आपको कुछ भी एडिट करना है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ से एडिट करना है क्या करना है, किसी भी टूल पे जो आपने यूज किया है उस पर जस्ट क्लिक कीजिए और वो आपको ये बाहर दिख जाएगी। सेटिंग पे जाते हैं हम, सेटिंग के जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, राइट। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हमारा लेवल होता है फिबोनाची लेवल होता है 0.38% जो हमारा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकेंड लेवल इज 0.5% या 50% रिट्रेसमेंट जो हम बात करते हैं वो हम देख पा रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि मुझे और लेवल चाहिए कि नहीं मैं इसके नीचे भी देखना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक लेवल और आता है डेट इज 0.78, 0.6%। तो यहाँ पर आप किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं मुझे तो इसके ऊपर भी चाहिए, 0 के ऊपर यानी 0.3 चाहिए, मुझे नीचे का भी कोई लेवल देखना है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई 0.1 या 0.4 या 0.7 आप कोई भी लेवल डाल रहे हो। ये जो चार लेवल आपको दिख रहे हैं यही लेवल्स हमारे फिबोनाची लेवल्स होते हैं, तो इनके अलावा आप कोई और यूज ना करें। सेकेंड थिंग फिर 1 के ऊपर आ जाता है, अगेन 1.618 आप देख सकते हो, 1.382, तो वही जो लेवल है उन्हीं को आगे हमने 1 से आगे चलने लगी है, यानी एज अ परसेंटेज वाइज आप बात कर सकते हैं।
तो सपोज मैंने जैसे ही इस लेवल को ऑन किया, तो आप देख सकते हो ये एक और लेवल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि नहीं, मैं तो 0.38 को यूज ही नहीं करता, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ कि वो रिट्रेस हुआ है, तो वो कोई लॉजिकल रिट्रेस है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही मानता हूँ मैं। ओके, तो आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1.5 और ये जो लेवल आप यूज करते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। आप बोलते हैं नहीं, मैं वही ट्रेड लूंगा जो कि एक गोल्डन रेशियो, जो हमारा 0.618 है या 61.8% रिट्रेसमेंट है, वो लेवल हमारा होता है गोल्डन रेशियो। उसको हम बोलते हैं कि फिबोनाकी में हमारी एक गोल्डन रेशियो है। इसके नीचे अगर कोई चीज जा रही है तो वो एक नेगेटिव सिग्नल देती है, बियरिश। इसके ऊपर अगर कोई सस्टेन रखती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव है हमारे अप ट्रेंड के लिए। हमारी जो कंटिन्यू रैली चल रही है अगर कोई, तो उसमें हमारे लिए पॉजिटिव है अगर कोई हमारा गोल्डन रेशियो से ही मूव करता है हमारा कोई स्टॉक, राइट। तो मैं चाहता हूँ ये भी ना हो, तो आप ऐसे इस तरह से आप क्लोज कर सकते हो, राइट। मैं इनको यूज करता हूँ तो मैं इनको ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये एक लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये हमें दिखा रहा है कि हाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं जा रहा हूँ। इसको अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ऐसी ना हो, इसमें हाँ लाइन लाइन की तरह दिखे, तो इसमें एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी को लगता है कि ये किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो ये किस तरह की ट्रेंड लाइन है कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं मोस्टली इसको क्या करता हूँ, डैश लाइन यूज करता हूँ। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो जिस तरह का आपको कलर चाहिए, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट से एंड पॉइंट तक हम ये लेवल्स दिख रहे हैं, इसमें आपको ये एक्सटेंड करने हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी लेवल्स हैं ये मेरी पूरी स्क्रीन पे दिखें, तो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट इनका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिस स्विंग से आप इसको कवर कर रहे हो, जिस स्विंग के लिए आप रिट्रेसमेंट निकाल रहे हो, उसके पास्ट के लिए कोई लॉजिक नहीं बनता, तो ये कभी नहीं करना, यूज है नहीं। अब ये वाला लेवल हमें क्यों यूज करना है, जैसे ही आप इसको क्लोज कर दोगे तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपने लिया है वहां तक आपके लेवल दिखाएगा। लेकिन एक्चुअली में हमें तो इसके नेक्स्ट जो हमारी ये तो हमारा रैली था और इसका ही तो रिट्रेसमेंट निकालना है। अभी कहाँ टच कर रहा है, किस पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा, या थोड़ा सा, तो वो तो हमें देखना ही है, तो इसलिए हम इसको ऑन रखेंगे। सो गाइज, आई थिंक ये जो फर्स्ट पॉइंट है फिबोनाची टूल सेटिंग, ये आपको समझ आया होगा कि हमें ट्रेंड लाइन अगर दिखानी है तो इस तरह से दिखा सकते हैं, एक्सटेंड करना है, कौन से लेवल्स हमें चाहिए कौन से नहीं चाहिए वो हम कर सकते हैं, कलर चाहिए आपको बैकग्राउंड में, आपको ये देखिए पूरा ही डार्क चाहिए या नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, हल्का सा कलर आपको चाहिए, कलर ही नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लाइन से और लेवल से मतलब है, कलर चाहिए ही नहीं, मैं हमेशा से बिल्कुल लाइट कलर यूज करता हूँ, ठीक है। रिवर्स, आपको ये रिवर्स करना है, इट मीन्स हमने क्या किया था, 1 से 0 गए थे, नहीं मुझे तो 0 से 1 भी इसी में ही देखना है, तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपकी रिट्रेसमेंट इस तरह से नहीं जाएगी। हमेशा आप क्या कर रहे हो, एक आगे चल रहे हो, यानी आप बैक साइड में बैकवर्ड में अपना कोई रिट्रेसमेंट या बैकवर्ड में अपनी कोई ट्रेड तो नहीं करने वाले, हमेशा आप फॉरवर्ड में ही अपनी नई ट्रेड को लेने वाले हो। तो इसलिए हमने क्या देखा है, अगर मैं अपसाइड की बात कर रहा हूँ, अभी डाउन ट्रेंड ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अब एक मूव चल रही है कोई, अब सपोज कोई एक मूव चल रही है इस तरह से, फिर रिट्रेस किया, फिर एक चला, फिर रिट्रेस किया, फिर एक मूव आई, फिर रिट्रेस किया, फिर एक मूव आई, फिर रिट्रेस किया, फिर एक मूव आई, रिट्रेस किया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई है, अब यहाँ पर मैं एंट्री करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मैं एंट्री करूंगा तो देखो ये थोड़ा रिटर्न तो मुझे कम मिलेगा ऑब्वियस, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं एंट्री कर सकूँ, तो उसके लिए मैं ये रिट्रेसमेंट निकालता हूँ कि इस दर तक तो चली गई, तो नीचे आ रही है, तो मैं कहाँ पे एक एंट्री लूँ जहाँ पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो उस चीज के लिए मैं एक ये लेवल्स निकालता हूँ कि 0.5 पे है, 0.68 पे है, तो ये उल्टी रिट्रेसमेंट का तो कोई लॉजिक नहीं होता। तो आपको कभी भी ये, मैं इस पर क्लिक कर, सॉरी मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से मुझे टूल बॉक्स मिल जाएगा और मैं यहाँ से रिवर्स को अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पे प्राइस मुझे देखना है, हाँ ऑब्वियसली, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। सेकंड कोऑर्डिनेट्स, अब देखो जब मैंने मैग्नेट ऑन कर दिया तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मैन्युअली डालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट आप देख सकते हो कि इसने यही एग्जैक्ट पॉइंट लिया है, ओके, यही एग्जैक्ट पॉइंट लिया है, ओके। विजिबिलिटी, ये मैं यूज करता हूँ, कई बार क्या होता है, मैं मान लो वीकली मैंने ओके किया, मैं जा रहा हूँ वीकली चार्ट पे, मुझे वीकली चार्ट पे डेली की रिट्रेसमेंट देखनी ही क्यों है मुझे, या फिर मंथली पे जा रहा हूँ तो मुझे मंथली चार्ट पे उस डेली की रिट्रेसमेंट क्यों देखनी है। देख रही हो यहाँ पे दिख रही है, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे नहीं देखनी, मैं जाता हूँ सेटिंग पे विजिबिलिटी,
मंथ, मुझे मंथ पे नहीं देखनी। तो यही टूल आप हर चीज में यूज कर सकते हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो चाहे कोई भी हो, आप वहां पे इन चीजों को, विजिबिलिटी टूल को यूज कर सकते हो। तो मैंने किया कि नहीं, मुझे आवरली पे भी नहीं चाहिए, मिनट पे भी नहीं चाहिए, सिर्फ डेली पे ही चाहिए। तो अब जब भी मैं डेली पे जाऊंगा सिर्फ तभी मुझे वो फिक बना के दिखेगा। इससे क्या है, मुझे बार बार हर जगह ये सब कुछ एक तरह से मेरी स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा, मुझे और कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, कोई और मुझे चीज यूज करनी है, तो वो ओवरलैप नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू यूज फिबोनाची। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम फिबोनाची अप ट्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं या डाउन ट्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड के लिए हम कब यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको एक बताता हूँ। इस तरह का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है, सपोज अप जा रहा है, फिर मैंने देखा कि हाँ कुछ मूव आया है और मुझे एंट्री लेनी है, फिर एक मूव आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, तो ये बेसिकली आपको समझ आ रहा है एक हायर हाई और हमारा हायर लो बना रहा है, एक अप ट्रेंड है। तो आप बात करते हो, सपोज मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली हुई है ऑलरेडी, अब मैं देखता हूँ कि ये मूव चला गया चला गया, मुझे और कुछ ऐड करना है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट आपका आपके किस तरह की ट्रेड है वो आप कर सकते हो, कि मुझे यहाँ पे कुछ और एवरेज करना है इस पॉइंट पे, या मुझे नई एंट्री लेनी है तो वो आप देख सकते हो, या फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर इस पॉइंट पे, मुझे कैसे पता चले कि मुझे एंट्री करनी है। तो सिर्फ फिबोनाची के लेवल के बेस पे हम एंट्री ना करें तो वो सही रहेगा। सिर्फ फिबोनाची हमें ये नहीं बताता कि एंट्री कर लो, ये पॉइंट आ गया है। हम क्या करते हैं, जब भी हम एक लेवल सेलेक्ट करते हैं, हमें पता है कि वो कुछ डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, लेकिन अगर वो हमारी गोल्डन रेशियो डेट इज 61.8% से नीचे चला जाता है, तो हमें समझ आता है कि हाँ कुछ तो नेगेटिव है, कुछ तो इस पॉइंट पे अब मुझे एंटर नहीं करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, राइट, या तो उसको क्रॉस करने का, या फिर कुछ एक अच्छे सिग्नल देने का, या एक कंसोलिडेशन बनाने का, या एक सपोर्ट बनाने का। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिनेरियो होते हैं, जो हम अंडरस्टैंडिंग है हमारी प्राइस एक्शन के लिए, उसको हम फॉलो करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ ये फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, कि ये 61.8 कर रहा है या 0.5 या 50% पे हमारा रिट्रेस कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है, यानी वो अप ट्रेंड के लिए ठीक है, कि हाँ 50% रिट्रेस इज अ हेल्थी करेक्शन, ओके इट इज गुड फॉर नेक्स्ट मूव। तो हम वहाँ पर उस पॉइंट पे हम ये फिबोनाची यूज करके हमारी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। वो मैं चार्ट पे जब आपको बताऊंगा तो आपको और समझ आएगा। अभी आपको समझ आया कि मुझे दो चीज पहले डिसाइड करनी है, क्या मैं अप ट्रेंड के लिए बात कर रहा हूँ या फिर डाउन ट्रेंड के लिए जा रहा हूँ। अब सपोज मुझे कोई शॉर्ट करना है या फिर एक डाउन ट्रेंड में मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमारे लोअर लोज बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा। तो जब हम लोअर लोज बना रहे हैं तो हमें क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है वो किस पॉइंट पे वो रिवर्स होने वाला है, ये तो किसी को भी नहीं पता होता कि वो यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से होगा, या फिर वापस ऊपर चला जाएगा और मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा अगर मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो किस पॉइंट पे हमारा वो पॉजिटिव रहेगा, तो जरा हम फिर से एक बार फिबोनाची ले लेते हैं। तो बात करते हैं अब डाउन ट्रेंड में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फिबोनाची इधर से लगाता हूँ डाउन के लिए। तो आप देख सकते हो सेम वही लेवल्स, अब वो मुझे बता रहे हैं कि जब ये डाउन ट्रेंड में अप साइड में एक छोटा सा रिट्रेस दे रहा है, डाउन में गया और छोटा सा एक रिट्रेसमेंट, इसी को रिट्रेसमेंट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम फिबोनाची या फिबोनाची आप जो बोलते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब मैंने देखा कि ये भाई डाउन ट्रेंड में ठीक है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, अगर ये इस लेवल से वापस रिवर्स हो रहा है, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा बियरिश है, तो मैं यहाँ पर एक सिग्नल देख सकता हूँ कि मुझे कोई सिग्नल दिखता है और यहाँ से मैं सेल करता हूँ या शॉर्ट सेल करता हूँ, वो आपकी मर्जी है। फिर मैं देखता हूँ कि नहीं ये तो 0.6 पे रुक रहा है, यानी गोल्डन रेशियो, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इस लेवल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों हो जाती है, जब आप देखते हो ये लेवल के अगर इसके ऊपर गया तो मुझे पता चल ही जाएगा कि ये बुलिश हो चुका है, इसके नीचे जा रहा है तो मुझे पता चल गया बियरिश हो चुका है, तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा, काफ़ी छोटा और नॉर्मल बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हो सकता है कि आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, जैसे ये स्टॉक यहाँ गया, यहाँ से छोटा सा एक रिटेस के आपको समझ आया हाँ ये तो भाई बड़ा ही बियरिश है, फिर से नीचे जाने के लिए रेडी है, आपने एंट्री की और अभी ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे आने लगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है कि हम पता, ये तो पता ही नहीं है कि किस लेवल से कौन सा स्टॉक कहाँ पे जाने वाला है या रिवर्स होने वाला है, वो तो उस पॉइंट पे उसका प्राइस एक्शन या जो भी हम यूज़ करते हैं वो देखना होगा। तो इस
पॉइंट पे एक चीज हमें पता चलती है कि इसके ऊपर तो मेरा व्यू चेंज होना ही है कि हाँ ठीक है, ये अब मैं इसके बाद इसमें मैं बाहर बैठूंगा और मैं वेट कर सकता हूँ। तो इस लेवल की इम्पोर्टेंस इसलिए, अब जैसे ये बेयरिश हुआ और यहाँ से इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इट मीन्स मुझे समझ आ गया कि हाँ यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ अपसाइड के लिए, या फिर यहाँ से रिवर्स हुआ तो हाँ मैं एंट्री कर सकता हूँ डाउन साइड के लिए। तो ये है कि हमारे फिबोनाची लेवल्स इस तरह से यूज़ होते हैं। अब आपको इस वीडियो से समझ आया होगा, जब मैंने फिबोनाची इधर से अप ट्रेंड के लिए लगाई थी तो मैंने क्या कवर किया अपने फिबोनाची से, वो स्विंग कवर किया जिस स्विंग को मुझे चेक करना है, जिस स्विंग के या जिस डायरेक्शन में मुझे अपनी ट्रेड लेनी है। तो मैंने देखा कि मैं बुलिश हूं, तो मैंने देखा अच्छा स्टॉक ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, आप इस चीज को याद रखना उस टाइम पे, अच्छा ऊपर गया है मुझे क्या चेक करना है कि कितना जा रहा है, नेगेटिव तो नहीं जा रहा क्या मेरे ट्रेंड को, ये ट्रेंड तो चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने देखा हाँ ये अप ट्रेंड में, तो हमेशा आप यहाँ से देखोगे 1-2-0 गया, उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आया 0.38%, ठीक है बिल्कुल बेस्ट है, फिर आया 0.5, चलो ठीक है अब भी इन कंट्रोल है, और गोल्डन रेशियो पे आके फिर रिवर्स हो रहा है, तो इट मीन्स ये एक अच्छा पॉइंट है जहां पर मैं एंट्री कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है यहाँ पर। ये नहीं कि ये गोल्डन रेशियो यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो सबसे बेस्ट है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही रिवर्स हो रहा है तो बहुत अप ट्रेंड या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है इसलिए यहाँ से मुझे लेना है, ये इसका यूज़ ये है कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो जाता है। तो आप ये समझिए कि अप ट्रेंड में आपको कोई अगर फिबोनाची यूज करनी है तो 1-2-0, जिससे आपको, और हमेशा फॉरवर्ड, ये नहीं आपने बैकवर्ड में ऐसे लगा रहे हो, आपने जिस स्विंग आपके सामने है, क्योंकि स्टॉक तो हमेशा इस तरह से चलने वाला है ना, बैक साइड में तो जाएगा नहीं, तो आपने देखा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी एक स्विंग आई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी एक रैली आई, तो आपने यहाँ से यूज किया, यहाँ से सेकेंड पॉइंट लिया और देखा कि मेरा कौन से लेवल पे ये वापिस रिवर्स हो रहा है, राइट। और सेम चीज जब हमने क्या किया, डाउन ट्रेंड के लिए हमने किसी चीज को यूज किया, तो मैंने क्या देखा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची मैंने यूज की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने फिबोनाची यूज की, फिर मैंने देखा कि ये अब नीचे जाके ऊपर जो रिवर्स हो रहा है, क्या उसमें कुछ स्ट्रेंथ है, क्या वो पॉजिटिव है मेरी लॉन्ग के लिए, और या फिर मुझे मेरे लिए अच्छा है इस पॉइंट पे शॉर्ट करने के लिए, तो मैंने क्या लिया इस स्विंग को मैंने कवर किया ना, ये है मेरा जो अभी रिसेंटली मेरी जो स्विंग आई है या डाउन ट्रेंड आया है ये है ना, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये लिया, फर्स्ट हाई सेकंड लो, और फिर मैंने चेक किया कि 0.38 पे क्या वो रिवर्स हो रहा है, नहीं, 0.5 पे रिवर्स हो रहा है, नहीं, 0.6 पे, अगर ये 0.6 को ब्रेक करता है तो ये तो मेरे लिए पॉजिटिव है अपसाइड के लिए, और ये यहाँ से डाउन साइड जाता है तो मेरे लिए पॉजिटिव है डाउन साइड के लिए, तो ये चीज अब आप यहाँ पे नोटिस करते हो, राइट right? तो आपको समझ आया कि फिबोनाची हमें कैसे यूज करनी है अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए। और गाइज एक चीज अभी मैं जो चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि आपने हर एक स्विंग पे आप जाकर फिबोनाची लगा रहे हो, ये नीचे आ गया यहाँ से भी फिबोनाची लगा दिया, यहाँ से भी फिबोनाची लगा दिया, इस पॉइंट के लिए भी लगा दिया, आप ये देख रहे हो डेली पे हो आप, डेली चार्ट पे एक प्रॉपर स्विंग, प्रॉपर लॉजिकल स्विंग्स आप देखोगे, ये नहीं कि आपने इस स्विंग पे भी लगाया, इस स्विंग पे भी लगा दिया, इधर भी, अगर आपको इतने छोटे स्विंग्स लेने हैं तो आपका फिर या तो इंट्राडे करते हो आप, या बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो फिर आप आवरली पे चले जाओ, तो आवरली पे आप देख सकते हो एक तरह से ये भी एक स्विंग है, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकल स्विंग आपको फिर दिखेंगे, आपको लगता है कि नहीं मैं तो हर सारे ही स्विंग्स पकड़ना चाहता हूँ, तो आप फिर 15 15 मिनट पे जाओ, और 15 मिनट पे तो फिर आपको ये स्विंग्स ही स्विंग्स दिखेंगे जो कि बहुत फेक सिग्नल देने हैं, हर बार आपको 61.8 ब्रेक होता दिखेगा और फिर आप बोलोगे ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो लगता है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो इसलिए, और आप वीकली पे लगा रहे हो तो फिर आपको और थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा, जिस तरह से हम चार्ट को फिल्टर करते हैं ना कि हाँ आप तो मैं 5 साल का चार्ट देख रहा हूँ, उस तरह से आपको स्विंग भी फिल्टर करने होंगे, फिर आप ये कंप्लीट एक स्विंग की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से सीधा कि ठीक है देखो अच्छा इतना बड़ा एक स्विंग आया है इसका कितना रिट्रेसमेंट है, ये एक बड़ा स्विंग आया है इसका कितना रिट्रेसमेंट है, तो फिर आपको ये देखना है, ये नहीं कि आपने वीकली लगा लिया और इतने छोटे स्विंग पे आप रिट्रेसमेंट ले रहे हो, ये चीज़ आपको थोड़ा लॉजिक के हिसाब से अपना यूज करना होगा, राइट। अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज प्रैक्टिस ऑन चार्ट। तो हम चार्ट पे जरा लगा के देखते हैं कि किस तरह से उसने काम किया है कैसे है, तो मैं ये हटा देता हूँ, तो इसी चार्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है। इस पे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज करना चाहिए और नहीं भी यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो मैं यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है लो, और मैंने यहाँ से फिबोनाची लिया,
एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने देखा कि कहाँ एंट्री करूँ इस पे, तो मैंने देखा अरे ये तो मेरा 61 यानी गोल्डन रेशियो को ब्रेक कर चुका है, मेरा तो जो लेवल स्टार्टिंग थी उस लो को भी ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब ये तो पूरा बेकार स्टॉक है, तो ख़त्म है, और इसको तो हमें एंट्री नहीं करनी, कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री या जो हम ट्रेड करते हैं उसकी हमारी कंडीशन होती है कि 200 या DMA या WMA के ऊपर हो, तो उस चीज़ को भी आप देखोगे कि यहाँ तो वैसे भी आप लॉन्ग नहीं करने वाले, ये वैसे ही एक वीक चल रहा है, देखो वीक हमारा स्टॉक है। सेकंड, अब हर जगह हर स्विंग पे आप नहीं फिबोनाची यूज नहीं करने वाले, ये नहीं कि अब ये लगा दिया अब तो वीक है, अब तो ठीक है मैं तो इसको शॉर्ट सेल करने वाला हूँ और ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं तो शॉर्ट सेल ही रखूंगा, ऐसा नहीं। आपको वहां पे हो सकता है किसी और रीजन से, ये आपको देखना होगा कि क्या कोई चैनल तो नहीं बना रहा, क्या कोई प्रीवियस सपोर्ट तो नहीं है, इन केस आपने एक रेक्टेंगल बना रहा है और रेक्टेंगल के अंदर आपने फिबोनाची लगाया तो वो तो हमेशा ही 100% रिट्रेस दिखेगा आपको, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आपने क्या लॉजिक लगा रहे हो, किस लॉजिक से आप उसमें एंट्री कर रहे हो, थोड़ा आपको हर चीज़ देखनी है, ठीक है। तो कोई और सपोर्ट, कोई और रीज़न भी हो सकता है आपका वहाँ पे कि वो रिवर्स क्यों कर रहा है, आप फिबोनाची से तो आपने देख लिया कि वो तो यार डाउन ट्रेंड में है, फिर वो इतनी अच्छी मूव क्यों देने वाला है, यार मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो ये मिस कर दिया क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था फिबोनाची का लेवल ये यूज़ करना है और ये तो नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो कुछ और भी चीज़ें हैं हमारी कि क्या वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट लेवल है, क्या वो प्रीवियस हमारा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल है या कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर लेते हैं, मैंने देखा यहाँ पे भी एक अच्छी एक स्विंग आई है जो भी है हमारा, और मैंने यहाँ से एक फिबोनाची यूज़ किया और देखा अरे ये तो मेरा स्विंग जो मेरा गोल्डन रेशियो है वो तोड़ रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ख़त्म, अब मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा जब तक ये वापस, फिर मैं डाउन ट्रेंड से देखूंगा और यहाँ तक नहीं जाएगा मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर कोई और रीजन तो नहीं है, आप देख रहे हो लास्ट जो हमारी रिजेक्शन हुई थी सेलिंग की वो भी यहीं पे हुई थी, ये भी यहीं पे हुई थी, अगर मैं देखो फिबोनाची हटा दूँ तो मैं देखता हूँ एक लेवल ये बना, फिर एक डाउन रिट्रेसमेंट हुई, फिर एक अप ट्रेंड में गया, मतलब ऊपर गया, इसने ब्रेक दिया, फिर उसके बाद एक दोबारा इसने एक अच्छी सी मूव आई, फिर इसमें दो कैंडल बनाई, तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक दिख रहा है कि ये कुछ लेवल टाइप का है इस पॉइंट पे, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मेरी मैग्नेट ऑन थी तो इसलिए वो अप डाउन हो रही थी, मैं देखता हूँ ये ऊपर गया यहाँ से डाउन गया, फिर इसने कोशिश की यहाँ से, फिर ये नहीं जा पाया एकदम से, इसने अच्छी मूव में इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे देख रहे हो यहाँ पे ही रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे गया, फिर अगेन रिजेक्शन हुआ, फिर इसने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई, 2 दिन यहाँ पे ही फिर इसने रिजेक्शन दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे गिरा, इसके ऊपर नहीं गया, फिर यहीं पे देखो नेक्स्ट कैंडल जो बोलते हैं संभल गई है, यहाँ से इतनी सेलिंग के बाद संभली हुई एक कैंडल, उसने फिर से ये रिजेक्शन दिया, फिर जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक सपोर्ट भी तो है ना इतना अच्छा। तो अब हर जगह पे आप फिबोनाची लगाओगे कि हाँ यहाँ पे मुझे लगानी है, मुझे तो ये हर जगह मुझे सीख मैंने सीख ली एक चीज और मैं इसको अब हर जगह लगाने वाला हूँ तो गलत हो जाएगा। तो हम लगाते हैं जरा इस पॉइंट पे, हम लगाते हैं, ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था, फिर मैंने देखा कि अब मुझे ये कैसे यूज करनी है, इतना अच्छा मेरा एक लेवल भी है प्लस 61.8 के ऊपर ही है, अच्छा तो ये तो इट मीन्स मुझे सिग्नल दे रहा है कि इसमें अभी सब कुछ सही भी है, इसके ऊपर है, तो मेरा एक जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा है, 200 DMA वो भी क्रॉस करने वाला है, और यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो जो मेरा प्राइस एक्शन है वो भी दिख रहा है कि डोजी बन रही है, डोजी को क्रॉस किया उसके ऊपर चल पड़ा, तो यहाँ पर मुझे बात बनती है कि हाँ यहाँ तो कुछ मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, प्लस एक तो अच्छा लेवल पिछली जो मेरी मेरी जो वो क्या बोलते हैं सेलिंग आई थी, सेलिंग की जो रिजेक्शन थी वो भी वहीं पे है, यानी बोल सकते हो प्रीवियस लो, तो एक सपोर्ट भी है प्लस में इस लेवल के ऊपर है, तो इस तरह से आप इस फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो। एक चार्ट और ले लेते हैं, पेल ले लेते हैं, तो इस पे अब मैं यहाँ से आपको लगा कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने एक, सबसे पहले एक पॉइंट लिया, ये मेरा एक लेवल हुआ, तो मैं देखता हूँ कि 0.5 लेवल पे ये 50% रिट्रेसमेंट पे ये मेरा स्टॉक रुक रहा है, तो मैं समझ गया हाँ ठीक है इसमें एक पॉजिटिव है, जो एक पूरा स्विंग लेना चाहते हैं या फिर नया नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं अरे हाँ यहाँ तो सब कुछ ठीक है, अगर ये यहाँ पे ही रहता है और मुझे मोमेंटम दिखता है नेक्स्ट कहीं पे तो मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ, अभी इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है, इस तरह से मुझे पता चला। अब ये नहीं कि इस स्विंग से भी आप ले रहे हो, इस स्विंग से भी ले रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ से इसने एक
सपोर्ट बनाया था, फिर उसके बाद एक मूव स्टार्ट की है, तो मैं उस मूव का फिर से एक रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिया, ठीक है, ये तो कोई रिट्रेसमेंट बनी नहीं, तो मैंने नेक्स्ट पे गया, तो मैंने देखा अच्छा ये देखो 60 जो पॉइंट हमारा 61.8 उसके नीचे भी गया है, बंद नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इसको वीक को लूँ या क्या लूँ, आपको सिर्फ इस पे तो काम करना ही नहीं है। आपने देखा ठीक है इस पे ये रिजेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हो कि अरे ये तो नीचे भी चला गया प्लस ये, तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जब मैं नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट पॉइंट इसको लूंगा, सेकंड पॉइंट इसको लूंगा। तो इस पॉइंट पे जब आप देख रहे होगे 61.8 के नीचे चला गया, तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये तो बड़ा नेगेटिव हो गया है और ये फिर से इसने बहुत नीचे चला गया है, अब मैं इस पे वेट करूंगा। ऑब्वियसली आप वेट करोगे, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, तो आप प्राइस एक्शन की बात करो तो देख रहे हो आप ये स्विंग लो, एग्जैक्ट स्विंग लो है, इस स्विंग लो के नीचे अगर जाता तो बात थी ना, इस स्विंग को ही इसने सपोर्ट लिया, तो ये क्या एक पॉजिटिव नहीं हुआ इसके लिए, ये तो एंट्री बनती है, राइट। और अगर मैं बात करूँ ये जो हमारा लेवल है, इसी से ही इसने वापस भी आया है, देखो ये पिछला जो हमारा लेवल थे ये एक लेवल है जहाँ से हमारा वापस रिवर्स हुआ है। तो आपको ये भी चीज़ भी मैं वही बताना चाह रहा हूँ बार बार, कि आपको ये नहीं कि हर स्विंग पे आप लगा रहे हो और आप कह रहे हो अब तो ये नेगेटिव हो गया, और आपको ये भी देखना है कुछ और भी प्राइस एक्शन भी देखना है, पिछला आपका किस तरह का लेवल बन रहा है, किस लेवल का सपोर्ट है, +200 DMA देखो आपका कितना अच्छा सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्विंग पे जाता हूँ, इस नेक्स्ट स्विंग से अब मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी फिबोनाची क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई, 0.38 तक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, 0.5 तक हुई तो ठीक है, और 0.6 से रिवर्स हो रहा है, तो मेरे लिए एंट्री तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बनने वाली है। तो अब ये 0.6 तक तो नहीं गया, 618, 61.8 रिट्रेसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन अब ये यहाँ पर है। तो अब मैं एक यहाँ पे क्या चीज़ और देखने वाला हूँ, अच्छा ठीक है ये मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरा यहाँ रिट्रेसमेंट का काम खत्म, मेरे लिए पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे एंट्री लेवल अब देखने वाला हूँ। फिर मैं नोटिस करता हूँ ये रिट्रेसमेंट भी लेवल भी सिर्फ वहीं तक गया है जो कि लास्ट मेरा स्विंग था, देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल भी हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से लाइन डाल देता हूँ, आप देख सकते हो, मतलब कोई भी एक में देखो थोड़ा सा अप डाउन है, तो आपको ये नहीं एग्जैक्ट 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो अप डाउन तो मिलेंगे, लेकिन मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एक यहाँ पे रिजेक्शन हुई थी, यहाँ रिजेक्शन हुई थी, फिर इसी लेवल से रिजेक्शन हुई थी, इसी को तो ये देखो सपोर्ट ले रहा है। तो आप अगर फिबोनाची भी यूज नहीं करते तो आपको साफ दिख रहा है कि ये लेवल अच्छा है, प्लस आपने फिबोनाची यूज करके ये भी देख लिया कि ये मेरे गोल्डन रेशियो से नीचे नहीं है, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। तो गाइज आपको मुझे लगता है अब आपको ये फिबोनाची यूज़ करने में कहाँ यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी आप सजेशंस हैं आप मुझे बता सकते हैं, आपको लगता है कि इसमें और क्या ऐड करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फिबोनाची हमारी एक्सटेंशन पे, और एक्सटेंशन हमारा अगर हमारा कंप्लीट हो गया हमारी वीडियो में, तो हम कुछ और टूल्स भी इसमें कवर करेंगे। तो गाइज आप मुझे बताना, फीडबैक देना कि आपको ये समझ आया या इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो सेकंड लास्ट थिंग कि आप कल को ये नहीं कि हाँ ये लेवल पे रिजेक्शन हुआ है, ये सब कुछ आपने देख लिया, आज इसमें आपने कोई लेवल ऐसा देख लिया और आप कल इसमें कोई ट्रेड ले लें अगर ये यहाँ तक आता है या कुछ, तो ऐसा मत बिल्कुल मत करना, ये जस्ट एक फ्यू होना चाहिए, आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ।